हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रितिका कश्यप आज आपको कक्षा 2 के लिए हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज मैं आपको पाठ एक की कविता कौन को पढ़ाऊंगी। पाठ एक की कविता है, कविता का नाम है कौन को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले, अगले पेज पे कविता है आपकी, तो कविता को शुरू करने से पहले हम कवि का नाम जानेंगे। तो चलिए बच्चे, हम अगले पेज को देखते हैं। तो हमारे कवि का नाम है डॉक्टर विनोद प्रसून। कवि का नाम क्या है, एक बार फिर से देखिए, डॉक्टर विनोद प्रसून। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि कवि, एक तो कविता ये दी हुई है आपकी पंक्ति यहाँ पे, तो पहले सबसे पहले हम इस सुंदर संसार को देने वाले कुदरत को क्या करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम इस सुंदर संसार के लिए कुदरत को आभार व्यक्त करते हैं तथा कुदरत की हर एक चीज के लिए से प्रेम का भाव रखना चाहिए। हमें कुदरत की हर एक चीज से क्या चीज का भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए। जैसे आपको बता दूं, झरने, पेड़ पौधे, ये सब कुदरत के ही हैं। बादल, सूर्य, चांद, पशु पक्षी, ये सब हम लोग मनुष्य, ये सब कुदरत के बनाए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं इस कविता को। कविता है नभमे अनगिन तारे, नभमे अनगिन तारे, इनको कौन सिखाता टिमटिम जी। नभ यानी आकाश में अनगिनत क्या है, तारे हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, उन्हें अनगिन बोलते हैं। अनगिनत तारे हैं, इनको कौन सिखाता टिमटिम जी, यानी टिमटिम कर जलना कौन सिखाता है इनको। कौन सिखाता है मेघों को, मेघ यानी क्या हुआ, बादलों। कौन सिखाता है मेघों को जल बरसाना रिमझिम जी, यानी रिमझिलमिल झिलमिल, रिमझिम रिमझिम क्या करती हैं, वर्षा कराना मेघों को कौन सिखाता है। एक बार फिर से देखिए, नभ में यानी आकाश में अनगिन तारे हैं, कौन इनको सिखाता है टिमटिम कर जलना, कौन सिखाता है मेघों को जल बरसाना रिमझिम, ये रिमझिम रिमझिम जल कौन बरसाता है, मेघ। अब हमारी चौथी पांचवी पंक्ति है, कौन सवेरे सूरज की किरणें धरती पे ले आता। सुबह यानी सुबह के समय, यह सवेरे का अर्थ होता है सुबह, सुबह के समय सूरज की किरणों को धरती पे कौन लेकर आता है। अब हमारी पंक्ति है नेक्स्ट वाली, कौन रात में चंदा लाकर श्वेत चांदनी बिखराता। कौन रात में, रात्रि के समय चंदा मामा जिसको हम लोग बोलते हैं, चांद लाकर श्वेत यानी क्या होता है, उजला। यानी देखिए यहाँ पे फिर से एक बार, कौन रात में चंदा लाकर श्वेत चांदनी बिखराता, यानी अंधेरे रात में चंदा को कौन लाता है और श्वेत चांदनी बिखराता है, यानी सफेद रोशनी को बिखराता है। इसमें बता रहा है कि कौन इन सभी को सिखाता है। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, अगली लाइन है, कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची का यह गीत मधुर। यानी चिड़ियों को मधुर गीत गाना कौन सिखाता है। चींची का यह गीत मधुर। अब हमारा नेक्स्ट लाइन है, फिर से मैं इसको समझाती हूँ, कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची का यह गीत मधुर, यानी मधुर मधुर गीत कौन सिखाता है चिड़ियों को। कौन सिखाता है अंबर में इनको उड़ना फुर फुर फुर, यानी चिड़ियों को कौन सिखाता है अंबर यानी आकाश में फुर फुर कर उड़ना, यानी इन सभी को ये आदत किसने सिखाई है, उड़ने का तरीका किसने सिखाया है अंबर में चिड़ियों को। एक बार फिर से देखिएगा बच्चों, नभ में अनगिनत तारे यहाँ से लेकर इनको उड़ना फुर फुर तक, यहाँ से लेकर ये आपको 4 4 8 4 12, यानी ये 12 लाइन है
इस कविता को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर नीचे आपका दिया हुआ है, नीचे आपका क्या दिया हुआ है, शब्द पिटारा। इसमें मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नव मतलब क्या होता है, अंबर आकाश या आसमान। अनगिनत जिन्हें गिना ना जा सके। मेघो यानी बादलों, जल यानी पानी, श्वेत यानी सफेद, मधुर यानी मीठा। इसमें आप कविता की पंक्ति याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ शब्द पिटारा, शब्द पिटारा को भी याद कर लीजिएगा। कविता की पंक्ति और शब्द पिटारा, इस दोनों को याद कर लीजिएगा। और मैं अपने अगले वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कविता की बची हुई पंक्तियों को और बचे हुए शब्दार्थ को यानी शब्द पिटारा को बताऊंगी। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिएगा। और अब मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग से आगे आगे की चैप्टर को बताते चलूंगी।